Hi, welcome back to my dead channel. अगर तुमने मेरी ये वीडियो देखी है तो उसमें मैंने एक बात कही थी। साले मेरे जितनी दाढ़ी है ना तेरे पूरे बदन में उतना बाल नहीं होगा। सुकृति। Yes, तो आज हम बात करने वाले हैं उस ट्रेट के बारे में जो बॉलीवुड के हर कैरिस्मेटिक हीरो या एक बैड एस विलन में कॉमन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वही डस्की और दाढ़ी वाले मर्द। आखिर इस रद्दी बराबर चीज को इतनी इज्जत क्यों? क्या वाकई में बस चेहरे पे कुछ बाल होने पे आप अल्फा दी मेल बन जाते हैं? बियर्ड ऑयल लगाओ, सो जाओ, सुबह उठो के बियर्ड आ जाए। चाहते हो तो यार देखो, सिंपल सा ही रूल याद रखना, आपका परफेक्ट शेविंग रूटीन। देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, ये बियर्ड वगैरह होने से कोई हीरो वीरो का ट्रीटमेंट नहीं मिलता, उल्टा हमारा आधा लाइफ तो शेविंग, ट्रिमिंग, प्लकिंग में ही गुजर जाता है। एंड द मोस्ट अनॉइंग पार्ट, इट डजेंट मैटर कि मैं कहाँ हूँ, किसी रेस्टोरेंट पे या रस्ते पे, लोग कुछ ना कुछ लेके मेरे बियर्ड से मेरे पर्सनल लाइफ का अंदाजा लगाना चालू कर देते हैं। क्या बात है, आज तो फुल शेव है, डेट पे जा रहा है ना? ओके ब्रो, मैं चलता हूँ फिर। यार तूने देखा उसको, काफी उदास सा नहीं लग रहा बेचारा? लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर बहुत बेकार होता है। जहां तक मुझे याद है मेरा टर्निंग पॉइंट क्लास 10th के आसपास ही था, जिसके बाद मेरे फेस एंड पूरे बॉडी में जैसे बालों का सुनामी सा आ गया। एट दिस पॉइंट मेरे बॉडी में ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जहां बाल ना हो, एक्सेप्ट दी पाम्स। एज इफ मेरी बॉडी के अंदर कोई एक गोरिल्ला छुपा हो जो बाहर आने के लिए प्यूबर्टी का इंतजार कर रहा था। अभी तक तुम में से बहुत सारे लोग डिस्गस्टेड हो चुके होंगे कि ये लड़का है कौन और क्यों तब से अपनी बालों की दास्तां हमें सुना रहा है। एक मिनट, ये वीडियो हम लड़कों की तरफ से एक प्रतिरोध है। लड़कियां अपने सेक्सुअलिटी से लेकर मेकअप रूटीन, अपने रिलेशनशिप स्टेटस और ना जाने क्या क्या ऑनलाइन शेयर करती है, तो क्या हमें एज कल्चर्ड मेन ऑफ दिस सोसाइटी ये अधिकार नहीं है कि दो चार अपने एक्सपीरियंसेस समाज के सामने रखें? तो प्यारे भाई और बहनों, इस मुहिम में कौन मेरा साथ देने वाला है? सच बताओ तो मैंने खुद से कभी शेव करने की कोशिश नहीं की, वो तो मेरी मम्मी ने दोनों इमोशनल ब्लैकमेल और गालियों का इस्तेमाल करके मुझे किसी तरह सलाह भेज दिया। डैडी बी जेंटल, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। तू क्या देख रहा है बे, मेकआउट चल रहा है इधर, चल चुपचाप लेटर है। ट्रस्ट मी, अगर तुम कोई टीनेजर हो जिसकी अभी अभी दाढ़ी आना शुरू हुई है, नेवर एवर डू अ फुल शेव। दिस इज नॉट होमोफोबिक, कम ऑन। तुम एक्चुअल में बहुत ज्यादा फेमिनिन दिखने लगोगे, या फिर अपने उम्र से कम 10 साल छोटे। भाई मेरी मम्मी खुद हंस रही थी यार, और स्कूल फ्रेंड्स के तो क्या ही कहने, कम से कम एक हफ्ते तक ट्रोल हुआ हूं मैं। ले इधर साइन कर। क्या साइन, मतलब क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। किस चीज का? तेरे से एक्सचेंज ऑपरेशन का। यार
यार मैं तो कहता हूँ इसकी सर्जरी हम ही कर डालते हैं। हाँ सही कह रहा है। बस यही जो कि 2023 में मारते तो पक्का कैंसल हो जाते। वैसे मेरे जेनेटिक्स ने मुझे कुछ चीजों में धोखा जरूर दिया है, बट नॉट इन दिस केस। मैंने लिटरली अपने 6 फीट चौड़े कजन्स को अपने चेहरे पे एक एक बाल के लिए तरसते हुए देखा है। एंड देन देयर्स मी, यू नो, एक और बॉडी पार्ट है जो मेरा तेरे से बड़ा है, माय टंग। अब पता नहीं बचपन में ये अफवाह किसने फैला दी कि कोई ऐसा बंदा जिसकी दाढ़ी आती है, अगर तुम उसके रेजर से खुद को टच कर लोगे तो तुम्हारी भी आ जाएगी। भाई ये कैसे सुपर पावर्स है यार। इस हिसाब से तो रेजर्स की बोली लगना चालू हो जानी चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मुझे पता नहीं ये र्यूमर कितना सच है या झूठ, पर इससे लड़कियों को डराने में बड़ा मजा आता था, खास करके कजन सिस्टर्स। ये देख, ये दिख रहा है, आज इससे तेरे गालों को घिस दूंगा, फिर तू भी मेरे तरह दिखने लगेगी। अब ज्यादातर लड़कों को ना एक अजीब सा मैनली प्राइड होता है। मैं तो मर्द हूँ, मेरे तो होंगे ही। मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसकी पीछे की सच्चाई तो यही है कि हमें लगता है हेयर्स तो कपड़े के पीछे है ना, किसी को क्या ही पता चलने वाला है। बट ट्रस्ट मी, देर आर सिचुएशंस जहाँ पे तुम अपने शर्ट को उखाड़ फेंकना चाहते हो, एंड ऑल्सो सम अनप्लेजेंट सिचुएशंस जहाँ पे लोग तुम्हें उखाड़ फेंकना चाहते हैं। तो इन्हीं सब सिचुएशंस के बारे में सोचते हुए कॉलेज में मैंने वैक्सिंग ट्राई करने की कोशिश करी थी। पहली बात तो यार, ये कंज्यूमर गुड्स वाले हर चीज में फ्लेवर कैसे घुसा देते हैं। चॉकलेट वैक्स, क्या चाटोगे क्या उसको? यार टेस्ट तो अच्छा है यार इसका, इसी को नटेला समझ के खा जाऊं क्या? एनीवेज, मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़े, सारे वो प्रिकॉशंस लिए जो लिखा हुआ था, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो उसमें लिखी ही नहीं है भाई, वो छोड़ देने वाला दर्द जो मुझे उसके बाद मिलने वाला था। अरे इसका टाइम तो नहीं आया अभी तक। सर सूत्रों से खबर आई है कि इसने अभी अभी अपने जांघों के बाल नोचे हैं, सो ओ। यार उस दिन के बाद से मेरी जो लड़कियों के लिए इज्जत बढ़ी है ना, मैं बता नहीं सकता। वो लोग क्या क्या कर जाते हैं यार, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, पियर्सिंग और पता नहीं क्या क्या। गाइज, दर्द सहने के स्केल पे ना हम लोग लड़कियों से बहुत 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 पीछे चल रहे हैं। यार सही तो लग रहा है यार। क्यों, क्या हुआ? अरे वो मैं चॉकलेट वैक्स खरीद के लेके आया था ना। इस पार्ट के लिए जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया इस वीडियो को बंद कर दे। कर दिया? नहीं, मैं कोई एडल्ट बात नहीं बोलने वाला, मैं बस तुम्हें डिप्रेस नहीं करना चाहता ये बता के कि आगे जाके तुम्हारे गुट का क्या हाल होने वाला है। एक लड़के के लिए शेविंग इज बॉल्स इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ये चीज इतनी डेलिकेट है ना कि दुनिया का शार्पेस्ट से शार्पेस्ट, फाइनेस्ट से फाइनेस्ट रेजर भी लव बाइट छोड़ जाता है। मैं तो बोलता हूं अगर किसी लड़के को एंगर इश्यूज है ना, उसको रेगुलरली अपने घुटे शेव करने चाहिए, बिकॉज देन, ओनली देन तुम्हें बुद्धा का मैसेज बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। इस दुनिया में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बिना एग्रेशन के और शांति से भी किए जा सकते हैं। आई रिमेम्बर जब मैंने पहली बार नीचे शेव किया था। यू नो, अपने प्यूब्स शेव करते वक्त अगर गलती से खून खराबा हो जाता है तो एट दैट पॉइंट अपने मम्मी को ये एक्सप्लेन करना ज्यादा इजी है कि मैं अपना नस काट के सुइसाइड कर रहा था, रैदर देन सेइंग कि मम्मी मैं अपनी गुट शेव कर रहा था। मुझे पहले तो बिल्कुल भी इस चीज की आदत नहीं थी, कम से कम 2 दिन तक मैं किसी सुमो रेसलर जैसा चलता था। अबे तू ऐसे क्यों चल रहा है? पर एक बार यूज्ड टू होने के बाद इट्स वे मोर कन्वीनियंट एंड हाइजीनिक। अब मेरे ये बोलते ही बहुत लड़के क्रिंज आउट करना चालू कर चुके होंगे, मैं भी करता था,
बट एज आई ग्रू अप ना, मुझे समझ आ गया कि ये सब कुछ उतना शर्म वाली या नामर्दों वाली चीज है ही नहीं। टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी हेयर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बीइंग अ मैन। आजकल इंटरनेट और रील्स पे बहुत सारे ऐसे ज्ञान के चुटे आ गए हैं जो समहाउ इस कम्प्लीटली हाइजेनिक चीज को होमोसेक्सुअलिटी से जोड़ देते हैं या फिर सीधा सीधा ट्रोल करने लग जाते हैं, जो कि मेरे समझ के परे है। बिकॉज अगर तुम्हें साफ सुथरा रहना पसंद है एंड यू लाइक बीइंग प्रेजेंटेबल इन फ्रंट ऑफ पीपल, तो तुम्हें उसके लिए किसी पीयर प्रेशर में पड़ने की जरूरत नहीं है। सो जो भी तुम्हें कन्वीनियंट और कंफर्टेबल लगता हो वो करो यार, नॉट अ बिग डील। सो दैट वुड बी अबाउट मेल ग्रूमिंग फ्रॉम माई पार्ट। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। लिटरली बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, महीने बीत जाते हैं वीडियो कंप्लीट करते करते। एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो कि तुम किन टॉपिक्स पे मेरे से वीडियोस देखना चाहोगे। बाकी की बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।